गुलामी क्या होती है? गुलामी यही होती है जो इन्होंने चेक की, थाली बजा के। किसी आपने अपने स्कूल में किताबों में पढ़ा कि थाली बजाने से यूं ठीक हो जाता है? आपके घर में आज से पहले कोई वायरल डिजीज हुई, वायरस आया, तो क्या आपने उसे थाली से भगाया था? लेकिन इस देश में तो सब जायज है ना? नहीं जायज, आप ही दोनों प्रश्न आपने आप उत्तर दे रहे हैं उसी बात का। अरे गुलामी है फिर आप यूं क्यों कह रहे हैं देश आजाद है? देश आजाद कोई जमीन से आजाद नहीं होता, मानसिकता से आजाद होता है। गौमूत्र 60 रुपए लीटर बिक रहा जिस देश में और किसान का दूध 20 रुपए लीटर बिक रहा है, तो आप अपने आप मुखमंडल से बताइए कि लोग क्या कहें हम सरकार को। सर हमारे देश में ये रहा उसके भी, अरे किसान की फसल बिकी ना और बाबा भगवान बेच गए, ठीक से ये देश तो भाई पड़ा। इन्होंने दंगों की सरकार लेके आए हैं, जहां दंगे नहीं थे वहां हुए हैं। अभी आपने इंटरव्यू भी सुना होगा जो हुआ है उसका, 1 महीने पहले प्रशांत किशोर जी ने बता दिया था, ठीक है, पुलवामा हुआ, अब सब सच्चाई सामने आ रही है। क्या हमारे देश के सैनिक इनको चुनाव जिताने के लिए हैं क्या, या देश की रक्षा करने के लिए हैं? हाँ मुझे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, पुलवामा की आज तक क्यों नहीं पता चली कि किसकी गाड़ी थी, क्या गाड़ी थी, क्या कहाँ है? सरकार की इंटेलिजेंस विधायकों के मंत्रियों के छापे मारने में है, EDCBI वो इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही क्या देश के लिए? देश के लिए काम करे, आगे आए। अरे ये तो दलाली है, दलाली उन्होंने जो लीगली दी है उनके अकाउंट्स में जो आई है वो है। असली जो मेन जहाँ PMO ऑफिस से जहाँ हुआ है तो उनका तो अभी आया ही नहीं है कि वहाँ कितना और क्या पहुँचा है। अभी तो बहुत सी जांचें बाकी हैं, इस देश में हुआ ही कुछ नहीं चीज़ों को बेचने के अलावा। और चीज़ें बेची क्यों जाती हैं? कभी आपने देखा है घर के बाहर आता है कबाड़ी कबाड़ लेने के लिए है? हाँ किस चीज़ के लिए? उनको फायदे के लिए क्यों बेची गई? नहीं इतनी नवरत्न कंपनियां थी जो इतना प्रॉफिट भारत देश को दे रही हैं, तो आप खुद समझदार हैं समझिए। और वो लोग आज देश बेच रहे हैं जिन्होंने ये कह के आए थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जिन्होंने क्लीन चिट दी थी वो आज राज्यसभा के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब मैं क्या कहूँ, तो सब जायज है इसका मतलब है? नहीं जायज तो नहीं है, अगर जायज होता तो फिर आज किसान और आम जनता लड़ाई क्यों लड़ रही है? अगर ये लड़ाई उस दिन सुप्रीम कोर्ट लड़ती, एग्जीक्यूटिव लड़ता, जुडिशरी का काम होता, मीडिया करता, तो विपक्ष करता, तो आज लगता है आपको किसान को यहाँ आना पड़ता? ज़रूरत ही नहीं थी किसान को यहाँ आने की। सरकार में ही सरकार की कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ 2 व्यक्तियों का होल्ड है इस देश पे अभी, पूरा है पूरा चल रहा है। नहीं तो ऐसा क्या जो सरकार के खिलाफ बोले उसके ऊपर आप ED CBI और ये कर दो। लोग तो यहाँ तक भी जोड़ रहे हैं कि जो CBI के डायरेक्टर थे आलोक, उनको भी इसी वजह से हटाया गया। अब जो लोग बोलेंगे इनके सरकार के खिलाफ नहीं, जो इन 2 व्यक्तियों के खिलाफ बोलेंगे उनको हटा दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से भी हटा दिया जाएगा। आज देश की जितनी उदार नीति है, इस नीति के जो जनक हैं वो जनक आज कहाँ हैं? आपको बता दें 89 में यशवंत सिन्हा जी ने देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज को ओपन किया था और वही एज इट इज़ बजट मनमोहन सिंह ने लागू किया था 91 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उससे देश इतना आगे बढ़ा, इतनी तरक्की की। आज वो यशवंत सिन्हा कहाँ हैं? जो TMC में जो BJP गवर्नमेंट में जो शास्त्री जी थे, जो कृषि मंत्री थे, वो कहाँ हैं? वो कितना फ़ायदा गिना रहे हैं कृषि कानूनों का? सिर्फ 2 व्यक्तियों की जो हाँ में हाँ मिलाएगा वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रुक पाएगा, उसके अलावा कोई ठहर नहीं पाएगा, नतीजा नहीं निकलता है। 1857 में क्रांति शुरू हुई और 1947 में आज़ादी जंग जीती गई, कितनी शहादतें हुई इस आंदोलन के दौर में ही भगत सिंह पैदा हुए और आज़ादी से पहले ही वो शहीद भी हो गए। सर आप लोग इसे आज़ादी से जोड़ देते हैं आंदोलन को, क्या वाकई में ये आज़ादी से जोड़ने का? ये तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का फैसला, संसद में कानून बने हैं। नहीं चुनी हुई गुलाम थोड़ा ही है सर किसी? नहीं ये अभी आप लोगों को लग नहीं रहा है। नहीं देश में लोग गुलाम नहीं, लोग तो आज़ाद हैं, यहाँ पर आ गए हैं,
लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान यहाँ हैं, मैं आज़ाद हूँ, इसीलिए ना मास्क लगा रखा ना कुछ, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, जो सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि जो हमने भेजे थे, वो कहीं ना कहीं उनका मुंह सील दिया गया है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मोदी और शाह के आगे प्रश्न उठा सके, ये दिक्कत हुई। तो जनता की तो हिम्मत कहाँ हो रही है? जनता रोड पे बैठी और कहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं आप? हम यहाँ रोड पे किस लिए खड़े हैं? तो मेरा घर है। सब 4 महीने से थोड़ा ही हो रहे हैं देश में? नहीं, 4 महीने से उससे पहले भी हुए हैं, छोटे आंदोलन जो दबा दिए गए, हरियाणा में बहुत आंदोलन हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, 5 राज्यों में रहे चुनाव। राज्यों के चुनाव है ना? हाँ, तो उनको वहाँ भी तो चाहिए, उनको तो चुनाव जीतने से मतलब है। और कई चीजें होती हैं जो चाले चली है। बीजेपी ने यहाँ 26 जनवरी पे हमारे साथ क्या किया था? अमित शाह कह रहे बदला लिया जाएगा। हाँ, ले लेंगे, हम भी बदला लेने के लिए ही बैठे हैं, देखते हैं वो कहाँ से ले पाते हैं और हम कहाँ से लेंगे।